हरिद्वार से भी निकल गए, ऋषिकेश से भी निकल गए, हम हैं केदारनाथ जा रहे हैं, तो केदारनाथ के रास्ते में है अभी। और बस बारिश भी हो रही है इसलिए व्लॉग भी नहीं बना पाया, कुछ भी नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे थे रास्ते में। अभी तो देवप्राग जाके फिर बताते हैं आपको कैसा क्या लोकेशन देता है। रास्ते में और यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए गाइस। गाइस अब हम इतना दूर आ चुके और व्यू देखिए कैसा है व्यू, ये जन्नत बोलते इसको भाई है। ये सब हम यहाँ पर चाय बना रहे हैं, ये बस देवप्राग को यहाँ पे आपको दो मिनटों के ये भाई अपने चाय बना रहे हैं फिलहाल, और चाय पी के हम जाएंगे। इन पहाड़ों में गांव की देसी चाय पी रहे हम। तो भाई ब्लॉग में बने रहना, हम आगे भी बताएंगे, आगे का नजारा बहुत अलग लेवल का है। हम इधर पहाड़े में घूम रहे हैं, चाबा जिले के आदिवासी लोग हैं। गाइस हम देवप्रयाग में आ चुके हैं और यहाँ पे अभी तुमको दो नदियों का संगम दिखाते हैं। खाना बना ले फिर निकलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों की ऊंची ऊंची ऊंचाई, ये किस क्या नज़ारा है। ये हमारा ब्रो, इसका इनका मोबाइल है, क्योंकि मेरा मोबाइल क्या पता कुछ कैमरे के है। इनका भी चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर बाकी हमारा देसी रसोई यहाँ पे बनाएंगे खाना, रोटी वगैरह उधर पाँच जी लोग भी है बना रहे, फिर बनाते खाते हैं। ये फोटो शूट चल रहा है इधर, वो भैया पानी भर के, पानी वो ड्राइवर भैया पानी भर के आ रहे हैं, ये मेरा अंकल है। तो सो गाइस फाइनली अभी हम केदारनाथ की तरफ निकल ही रहे थे, तो शाम की 5 बज रहे और भूख लगने लग गई है, तो सुबह तो नाश्ता ही किया था,
तो अब यहाँ पे रुकते हैं, खाना आना बनाएंगे बस, फिर खा के निकलते हैं केदारनाथ। बस 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 तो दोस्तों फाइनली हमने खिचड़ी बनाई है, वो अभी चावल रख दिए हैं, बन रही है यहाँ पे, और व्यू देख रहे हो सब, ड्राइवर भैया है।